hard to breathe, but that's alright. सकते हैं, पर इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। जितना भी पैसा चाहिए होगा मैं दे दूंगी,
का इंतजाम कीजिए, अभी हम वो सर्जरी नहीं कर सकते, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये सर्जरी करते हैं वो फॉरेन गए हैं, वो डॉक्टर आते ही हम ये सर्जरी कर देंगे। हाँ हाँ डॉक्टर, मैं पैसों का जल्द ही इंतजाम करती हूँ। अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? हाँ तुमने सही सुना, मुझे तुमसे शादी करना है और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे सकता हूँ। भैया वो लड़की आई है। क्या दे आई है? उसे अंदर भेज दो। आया वो फिर नजर ऐसे, बात छिड़ने लगी फिर से। हाय ते, क्या हुआ, तुम यहाँ चली आई? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम हमेशा पैसों के पीछे ही भागती हो ना? मुझे पैसों के पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि मैं आपकी तरह सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुई थी। हाँ हाँ, अब तुमने क्या डिसीजन लिया? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ओके, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, बट उसके साथ कुछ कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है? तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ेगा, उसे ना पढ़कर, और मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। हाँ मैं सारे कंडीशन के लिए रेडी हूँ, और आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी। उस कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ भी लिखा हो सकता है, तो अच्छे से सोच लो तुम। कुछ भी लिखा हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। ओके, तो बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आपको भी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ेगा। किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट? जब तक मैं आपकी वाइफ बनी रहूंगी तब तक आप मुझे कोई भी क्वेश्चन ना पूछ के मुझे जितने पैसे चाहिए होगा आप मुझे दे देंगे। ओह तो तुम बड़ी हाथ मारना चाहती हो। ओके, इसके लिए भी मैं रेडी हूँ। लगे। हाँ हाँ ब्यूटीफुल तो है, बट हमें शादी में बुलाना तो चाहिए था ना। जीनो बेबी, उनके साथ बाहर ही खड़ी होकर बात करती रहोगी या फिर उन्हें अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ अंदर आ जाओ, हम तुम दोनों की फिर से शादी करेंगे और बहुत अच्छे से। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? 1 year 3 days। अलग अलग? अरे मॉम वो नर्वस हो गई थी ना, हम एक दूसरे को 1 year 3 days से जानते हैं। मैं सोच रहा था कि तू गे है, क्योंकि स्कूल टाइम से अभी तक तेरा एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, बट तू तो एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ। ग्रेट जॉब माई सॉन, वैसे ही ब्यूटी क्वीन का हमें भी मिल जाता तो अच्छा होता। बॉम्बास्टिक साइड आई। तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, तुम्हें एक और ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब बोला? किसी ने यहाँ सुना है मुझे ऐसा कुछ बोलते हुए? नहीं नहीं मॉम, आपका शायद कान खराब हो गया है, आपकी एज बढ़ गई है ना, सो मैं हमेशा जवान दिखती हूँ, और तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे एजेड बोलने के लिए? मैं मरते दम तक ब्यूटीफुल रहूँगी। हाँ हाँ, तेरी मॉम तो बहुत से भी छोटी लगती है।
हाँ हाँ सॉरी मॉम, आप तो वर्ल्ड वाइड ब्यूटी क्वीन हो। वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत यंग दिखती हूँ, कोई मुझे एजेड बोल ही नहीं सकता। हाँ मॉम, आपने सही बोला। ओके मॉम, हम अभी सोने चलते हैं। हाँ हाँ जाओ, फ्रेश होके सो जाओ। चलो दे रूम में चलते हैं। ओए बहू को लेके क्यों जा रहा है? अभी तक तुम्हारा ऑफिशियली शादी नहीं हुआ है, तो बहू मेरे साथ सोएगी। हमने तो शादी किया है ना, और अभी ऑफिशियली क्या करना है? 3 महीने के बाद तुम दोनों की फिर से शादी होगा, और अच्छे से और ऑफिशियली सबके सामने होगा। तो तब तक ये मेरी बेटी बन के रहेगी, इसके आसपास भी मत दिखना। डैड प्लीज आप मॉम को समझाइए ना। जीनू बेबी, जंगकुक मॉम तो सही बोल रहे हैं, बहू को मॉम के साथ रहना चाहिए। गुड बॉय, अब जाओ आप कुकी के साथ सो जाओ और बहू मेरे साथ सोएगी। पर मॉम हमारा गेस्ट रूम तो है ना, उसे वहाँ सोने दो। तुझे क्या मेरी बातें समझ में नहीं आ रहा है? क्या बहू गेस्ट है जो गेस्ट रूम में सोएगी? पर मॉम आप और डैड अलग क्यों सोएंगे? क्या तुम बाप बेटे को मुझसे मार खाना है उसके बाद ही जाओगे सोने के लिए? अरे नहीं नहीं जीनू बेबी, हम चलते हैं ना सोने। गुड नाइट, लव यू, बाय बाय। गुड नाइट, लव यू टू। ये लोग कितने स्वीट है और एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और हमारे घर पे तो ये सब देखना जैसे सपना है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इनसे शादी करके सही किया या फिर गलत। क्या हुआ बहू, किस सोच में हो तुम? कुकी तुम्हें लव यू बोल के नहीं गया इसीलिए बुरा लग रहा है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो ऐसे ही शर्मा के चला गया, नहीं तो वो बहुत रोमांटिक है। हाँ मम्मी जी, तुम्हारा नाम ते है ना? हाँ मम्मी जी, मेरी कुकी का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखूंगी। कुकी ने कहा कि तुम लोग 1 ईयर से रिलेशनशिप में थे, पर वो किसी और लड़की से बात कर रहा था। ओह शायद उनकी कोई फ्रेंड होगी, बेस्ट फ्रेंड। हाँ हो सकता है, पर मुझे लग रहा था कि वो उससे प्यार करता है। पर तुम टेंशन मत लेना, वो लड़की अभी नहीं है, वो उसके साथ और बात नहीं करता है। हाँ हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर वो जिस लड़की के साथ बात कर रहा था ना, उसकी वॉइस तुम्हारी जैसी थी। मैंने सिर्फ एक ही बार सुना है, तो मैं इतना कंफर्म होके तो नहीं बोल सकती। ओह शायद आप मुझसे ही बात करते हुए आपने सुना होगा। हाँ ऐसा हो सकता है। कोई है क्या? प्लीज मुझे कॉफी दे दो। मम्मी प्लीज कॉफी दे दीजिए। हाय गुड मॉर्निंग, आप शायद इनका ब्रदर है। भाभी आप यहाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और भैया ने आपको यहाँ कब लेके आ गए? आपको कैसे पता कि मैं आपकी भाभी हूँ? मैं आपकी मेड भी हो सकती हूँ। भाभी मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज छोड़िए, आप यहाँ कब आ गए? हमने कल ही शादी कर लिया। क्या आप लोगों ने शादी भी कर लिया? हाँ पर आपका नाम? मैं आपका एक लौता छोटा देवर हूँ, जे होप। ओके आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। वाओ भाभी आपकी हाथ की कॉफी कितना टेस्टी है, प्लीज आप हमेशा मुझे कॉफी बना के देना। हाँ हाँ आप बेफिक्र रहिए, आपके उठने से पहले से ही आपके लिए कॉफी रेडी हो जाएगा। आप मेरी बेस्ट भाभी हो, थैंक यू सो मच। बट भाभी आप इतना जल्दी क्यों उठ गई? मुझे आपके भैया सोने कहाँ देते हैं? हाँ हाँ भाभी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया आपका नाइट भैया के साथ। अरे नहीं नहीं आप कुछ गलत ही सोच रहे हैं देवर जी, वो मुझे बता दिए थे कल रात को ही, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। ओह तो क्या आप दोनों एक साथ नहीं थे? नहीं नहीं मैं तो मस्त मम्मी जी के साथ सो रही थी। क्या लेडी हिटलर ने आपको एक्सेप्ट कर लिया? जी हो, ओह नो लेडी हिटलर आ गए, अब तो पिटना पक्का है। जी हो आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सॉरी लेडी हिटलर। जी हो ओके ओके सॉरी मॉम, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे वादे मैं तो सोच रही थी तुम देर से उठती हो, बट तुम तो बहुत जल्दी उठ गई और फ्रेश भी हो चुकी हो, मानना पड़ेगा तुम्हें। जीनू बेबी हर कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी ना होता है, 8-9 बजे तक सोया रहेगा। बॉम्बास्टिक साइड आई, क्रिमिनल ऑफेंसिव साइड आई। अरे सोना तो अच्छा होता है, तबीयत ठीक रहती है, तुम तुम्हारे सास की तरह ग्लो करोगी, सो तुम्हें भी बहुत देर तक सोना चाहिए।
लेट उठी है? तुम्हें मैंने कल रात को ही कहा था ना, सुबह 4 बजे उठ जाना और सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देना। तुम अभी तक नहीं बनाई। वो मैं 4 बजे उठ गई थी, पर क्या खाना अभी तक क्यों नहीं बना? हेलो माय आर्मी फ्रेंड, सैंडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और लाइक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो सब आपके लिए मुफ्त 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 है। कर देना और हम मिलते